तो श्रोता का धर्म क्या होना चाहिए, श्रोता का भाव क्या होना चाहिए? जब भी कथा सुनने जाए तो वक्ता को अपने से बड़ा समझे। वक्ता को अपने से बड़ा समझे। अच्छा, हम आपसे कहते हैं दो बोतलें हों, एक में गंगा जल भरा हो, एक खाली हो, ढक्कन दोनों में लगा हो, और खाली बोतल अपने मन में सोचे कि जो गंगा जल से भरी हुई बोतल उसे देखकर कहे ये बोतल और हम बोतल, हम में इनमें क्या अंतर, यहां से ये बने हैं हम भी वहीं से बने हैं, इनको ढक्कन लगा है हमें भी ढक्कन लगा है, तो हम और ये दोनों तो एक हैं। अगर वो ऐसा सोचती रहे तो वो भरी हुई बोतल के बगल में ही तो बैठेगी, नीचे कैसे बैठ जाए, हम तो बराबरी के हैं। पर एक बात तय है कि जब तक वह खाली बोतल भरी हुई बोतल के नीचे नहीं बैठेगी और ढक्कन नहीं हटाएगी, तब तक भरी हुई बोतल से गंगा जल भरा ही नहीं जा सकता उसमें। खाली बोतल और फिर ये कपट का ढक्कन हटाकर भरी बोतल के नीचे बैठे, तभी भरी हुई बोतल से उसे भरा जा सकता है। मैं भी आपसे कहता हूं वक्ता श्रोता दोनों एक ही मसाले के बने हैं, वही पांच तत्वों का शरीर, वैसे ही माता पिता, वैसे ही गांव, सब कुछ वैसे ही है। अब श्रोता सोचे कि इनमें हम में क्या अंतर, और इससे हानि किसे होगी? श्रोता को ही हानि होगी। इसलिए श्रोता जब कथा में जाए वक्ता को अपने से बड़ा समझ कर जाए, ताकि श्रोता का मन श्रद्धा से भरा हो। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्रद्धालु कौन, जिसमें ऐसी श्रद्धा भरी हो कि कुछ बातें अगर होती भी हों तो उसे सूप की तरह, छाजड़े की तरह, कूड़ा करकट समझकर अलग निकाल दे और सार सार को ग्रहण कर ले, ये श्रोता का लक्षण है। कबीरदास जी यही तो कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा। सूप सार सार को ग्रहण करता है, थोथे को उड़ा देता है। लेकिन हम लोगों का स्वभाव सूप की तरह नहीं होता, प्रायः श्रोताओं का स्वभाव मालूम कैसा होता है? श्रोताओं का स्वभाव होता है चलनी की तरह, और चलनी से हम आटा साफ करते हैं, पतले तारों से बनी हुई जालीदार चलनी, उसमें आटा डालो और ऐसे ऐसे हिलाओ, सार सार सब नीचे, कूड़ा करकट सब इकट्ठा। आजकल प्रायः हम लोगों की यह आदत हो गई है कूड़ा करकट इकट्ठा, ये दोष, ये कमी, ये गड़बड़, बोलने में कितनी गलतियां की, गाने में कितनी गलतियां की, बजाने में कितनी गलतियां की, सारा कूड़ा करकट इकट्ठा है आपके पास। अरे इन गलतियों के अलावा देखो उन्होंने कहा क्या,
तो श्रोता को श्रद्धा से भरा होना चाहिए, और श्रद्धा से कोई तब भरा होता है जब अपने को छोटा समझकर बड़े के पास जाए, वक्ता को बड़ा समझे और अपने को छोटा समझे, तभी तो कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम।